हेलो दोस्तों। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सवाल कि भाई एग्ज़ाम्स कब होगा, कैसे होगा, क्या इस बार भी बच्चे प्रमोट होंगे, क्या एग्ज़ाम्स कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और क्या कोई ऑफिशियल न्यूज़ है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, अमर उजाला के 18 अप्रैल की एक खबर है जिसमें विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी के द्वारा एक सूचना दी गई है सारे विद्यार्थियों को और सारे लोगों को। ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि मई के आखिरी में होगी परीक्षाएं। फिर आपका सवाल यह है कि यार इतने कोरोना केसेस में कैसे परीक्षाएं कराई जा सकती है। तो देखिए कि विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी विजेंद्र चतुर्वेदी, देखिए नीचे अमर उजाला में साफ लिखा हुआ है कि मीडिया प्रभारी अवध विश्वविद्यालय विजेंद्र चतुर्वेदी, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मुख्य व परिसर की परीक्षाएँ कराए जाने की तैयारी में लगा था। याद रख लें, मुख्य व परिसर की परीक्षाएं कराने की तैयारी में लगा था, लेकिन कोरोना की दूसरी वेव के चलते शासन के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय व स्कूल 15 मई तक बंद करने पड़े। यानी कि यूनिवर्सिटी टोटली प्रिपेयर था कि एग्ज़ाम्स कराने हैं, लेकिन 15 मई तक क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद है। आगे देखें, अगर 15 मई के बाद हालात ठीक रही तो विश्वविद्यालय अपनी मुख्य व परिसर की परीक्षाएं मई के आखिरी सप्ताह तक शुरू कराएगा। जी हाँ दोस्तों, कि मई के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम्स स्टार्ट करा सकता है, कब, अगर कोरोना के केसेस सही हुए तो। यानी कि मई के लास्ट तक कराने की भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि यूनिवर्सिटी टोटली प्रिपेयर है एग्ज़ाम्स कराने के लिए। एक और इसी में मैं आर्टिकल्स को पूरा पढ़ के दिखाता हूँ। ये जैसे ऊपर दिख रहा है ना आपको कि मई के आखिर में होंगी परीक्षाएँ, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पर क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की मुख्य व सेमेस्टर परीक्षाएँ एक बार फिर से लेट होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ओके, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 मई तक परिसर व अपने सभी कॉलेज को बंद कर दिए। हालांकि विश्वविद्यालय ने अपनी मुख्य परीक्षाएं व सेमेस्टर परीक्षाएं की तैयारी पूरी कर रखी है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां देखें, हालांकि विश्वविद्यालय ने अपनी मुख्य परीक्षा व सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर रखी है। यू नो, लाइक ऑल द प्रिपरेशन हैज बीन डन, एग्जाम्स की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरी कर रखी हैं। अधिकांश कक्षाओं के पेपर सेट हो गए हैं। भाई देखें, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, पता नहीं कैसे, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द यूट्यूबर, प्लीज़ रूमर्स ना फैलाएं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बच्चों को इस बार भी प्रमोट किया जाएगा, और वो लोग मतलब ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि 100% प्रमोट किया जाएंगे बच्चे, जबकि यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि तैयारियाँ पूरी कर रखी है। आगे देखें, उत्तर पुस्तिकाएँ महाविद्यालयों में पहुँचने लगी, मतलब उत्तर आंसर शीट है ना, वो महाविद्यालयों में पहुँचाना भी शुरू किया जा चुका है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की तैयारी चल रही है, बस इस बात की चल रही है कि परीक्षा का सेंटर कहाँ होगा। देखिए ये ऑफिशियल न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि अगर, यहाँ देखें, विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि अगर मई के लास्ट वीक तक कोरोना संक्रमण की फैलने की हालात में सुधार हुआ तो परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। यानी कि मई के लास्ट वीक में ही अगर कोरोना पे कंट्रोल हो गया ना, तो मई के लास्ट वीक में, यानी अगले महीने के लास्ट वीक में ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। अवध विश्वविद्यालय का सेशन पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते पहले से ही लगभग 2 माह लेट रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन इसको समय पर कराने के लिए तैयारी कर रहा था कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी। शासन के निर्देश व विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय को 15 मई तक बंद कर दिया है। ओके, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने सेशन की दुरुस्त करने के लिए 15 मई से परीक्षाएं कराने की ठानी है। अब देखें, यहाँ देखें क्या रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने सेशन को दुरुस्त करने के लिए, भाई देखिए हर एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है ना कि वो कभी लेट सेशन ना करे, तो अपने सेशंस को दुरुस्त करने के लिए 15 मई से परीक्षाएं कराए जाने की ठानी है। मतलब प्रशासन की ये जिद है, जिद नहीं मतलब उनकी कमिटमेंट है, उनकी कोशिश है कि वो 15 मई तक क्या करे, एग्जाम्स करा दे, लेकिन कोरोना है तो नहीं हुआ, इसलिए मई के लास्ट तक प्रशासन का मानना है। ठीक है, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारी भी कर रहा था। विश्वविद्यालय में अधिकांश विषयों के पेपर सेट करा लिए थे। गाइस, किस दुनिया में हम रह रहे हैं, और वो जो यूट्यूबर, मतलब आई रेस्पेक्ट ऑल द यूट्यूबर्स गाइस, आई रेस्पेक्ट ऑल द टीचर, बट आप ख्याली पुलाव नहीं बना सकते मेरे भाई, आप अपने दिमाग से नहीं बना सकते, आप ऑफिशियल बात कीजिए। ये ऑफिशियल न्यूज़ ये कह रहा है कि इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारी भी कर रहा था। विश्वविद्यालय ने अधिकांश विषयों के पेपर सेट करा लिए थे। अब बताएं, अब क्या कुछ रह गया है। विश्वविद्यालय ने अधिकांश विषयों के पेपर सेट करा लिए थे। महाविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। महाविद्यालयों में ना आंसर शीट भेजना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण व परीक्षा की समय सारणी जारी करने पर मंथन चल रहा था। बस एग्जाम्स के टाइम टेबल आने बाकी थे।
लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने विश्वविद्यालय प्रशासन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखिए गाइस, यूनिवर्सिटी ना टोटली प्रिपेयर है एग्जाम्स कराने के लिए। गाइस, आई कैन बेट ऑन दैट कि एग्जाम्स होने वाले हैं। देखिए, प्रमोट कब होता है पता है आपको? यूनिवर्सिटी बच्चों को तब प्रमोट करती है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। प्रमोट करना एक लास्ट ऑप्शन है, और कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को प्रमोट करे। वो यही चाहेगी कि एग्ज़ाम्स लिया जाए और एक मूल्यांकन हो और बच्चे को मार्क्स दे के उन्हें अगले कक्षा में भेजा जाए। कभी ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। आपका सवाल ये हो सकता है, फिर लास्ट ईयर बच्चों को कैसे प्रमोट कर दिया गया? देखिए, लास्ट ईयर का मसला क्या था कि लास्ट ईयर कोरोना फर्स्ट टाइम था इंडिया में, ठीक है? तो हमें इसका अंत नहीं पता था, हमें अच्छे कमांड नहीं थे, हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए हमारे अंदर एक डर का भावना था। अभी कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, आई एग्री, बट तैयारी भी गवर्नमेंट की है और हमें पता है कि कोरोना से लड़ना कैसे है, कोरोना किस हद तक जा सकता है और कोरोना के कैसे काबू किया जा सकता है। इसीलिए इस बार मेरे भाई, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग आपसे ये कह रहे हैं ना कि आप प्रमोट होंगे, 100% प्रमोट होंगे, प्लीज़ यार उन्हें कहने दो। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आपकी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? गाइज, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपके मार्कशीट पर ये लिखा रहा है कि प्रमोटेड, आप प्रमोट हो चुके हो। तो एज ए स्टूडेंट भी हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि एग्ज़ाम्स हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, मगर एग्जाम्स हो, हमें प्रमोटेड सर्टिफिकेट ना मिले। इसीलिए यूनिवर्सिटी मई लास्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर रही है, हमें तो उससे पहले का प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें तो अप्रैल लास्ट या फिर 15 मई तक का प्रिपरेशन करना चाहिए। इसीलिए वक्त कम है मेरे भाई, वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टडी गाइज, वी हैव टू स्टार्ट आवर एग्जाम प्रिपरेशन। इसीलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, आप शुरू कर दीजिए तैयारी। अगर आप लाइट ले रहे हैं ना, आसान ले रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने अंदर वो जो डर होता है एग्जाम्स के लिए, जो टेंशन होती है, जो चिंताएँ होती है, प्लीज़ उसको बढ़ा दीजिए और एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? और ख़ासतौर पर बी एड वाले बच्चे ध्यान रख ले कि आपके 99.9% चांस है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सो प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशन को मत छोड़िए, आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इवन आई विल से कि आप इस वीडियो के बाद से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपकी जो भी सीरीज लेनी हो, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक लेने हो, आपकी जो भी प्रीवियस के पेपर लेने हो, वो सब लीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना स्केड्यूल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और आई एम डैम श्योर कि बहुत ही कम बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, वो सब ऐसे कोरोना के काल में, मतलब ऐसे मस्ती और इसी फिक्र में होंगे कि कब होंगी परीक्षाएं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आज से आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ओके? मैं थोड़े बहुत हेल्पफुल वीडियो भी बनाता हूँ बीएड को लेकर, बीएड के जो भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसकी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल भी बताता हूँ, जैसे कि ये 2-4 वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो आप मेरे YouTube चैनल जेन टॉक को विजिट करके भी पढ़ सकते हैं और प्लीज़ आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ओके? ओके गाइज, तो मेरी तरफ से ये कोशिश थी कि मैं आपको ये ऑफिशियल न्यूज़ आप तक पहुँचा दूँ और आप रूमर से बचें, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, अपनी पढ़ाई शुरू करें, ठीक है? मेरी ये कोशिश थी कि मैंने आप तक पहुँचा दिया, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचा दें, ठीक है? जेन टॉक के YouTube चैनल आप देख रहे हैं, ठीक है? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं और ऑफिशियल न्यूज़, जो भी एथेंटिक खबर होगी यूनिवर्सिटी की, मैं आप तक शेयर करूंगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।